भदोही जिले में 20 लाख परिवारों को रोजगार देने वाला कालीन उद्योग बदहाली के आंसू बहा रहा है। कोशिश तो कई बार की गई लेकिन बावजूद इसके तमाम टैक्स और कानूनी अड़चनों ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। एक रिपोर्ट देखिए। बीते कई सालों से भारतीय कालीन उद्योग की उपेक्षा हो रही है लेकिन अब कालीन उद्योग और उपेक्षा झेलने की हालत में नहीं है। सरकार के प्रोत्साहन नीतियों में कटौती, तरह तरह के टैक्स और कानूनी अड़चनों के अलावा बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने कालीन निर्माताओं और निर्यातकों की कमर तोड़ दी है। अभी हाल ही में सरकार की तरफ से पर्यावरण में प्रदूषण रोकने के नाम पर कालीन परिक्षेत्र में चल रहे लगभग 3 दर्जन से अधिक डाइंग प्लांटों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे कम पैसों में कांति रंगाई का काम करने वाले डाइंग प्लांट के मालिकों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा ड्रॉबैक और अन्य बैंकिंग कार्यप्रणाली में कठोर नियम लागू किया गया और जिसने व्यापारियों के सामने एक और मुसीबत खड़ी कर दी। एक समय था जब अकेले भदोही और मिर्जापुर में 1,500 से 2,000 तक की संख्या के कालीन निर्माताओं और निर्यातक थे, जो अब सिमट कर 150 तक हो गए हैं, जिनके लिए अब सरकारी सहयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो मंदी के रास्ते में संजीवनी बनकर उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक होगा। आपको बता दें, कालीन परिक्षेत्र में बनी बड़ी बड़ी कालीन कंपनियां अब महज दिखावटी इमारत बनकर रह गई हैं। जिन कंपनियों में सैकड़ों की तादाद में कालीन मजदूर काम किया करते थे, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दौर ऐसा भी था जब भदोही की हर सड़क और हर गली में कालीन, ऊन, आंगा, सूत आदि लदे वाहनों और रिक्शों के कारण यातायात की समस्या थी। कभी करीब 5 लाख बाहरी मजदूरों को रोजी रोटी देने वाला भदोही का कालीन उद्योग आज किसी गरीब को भी काम मुहैया नहीं करा पा रहा है। पहले देखिए ऑर्डर काफी था, लेकिन अब जो है हमें नहीं समझ आ रहा कि अगर ऐसे जीएसटी लगा रहा तो एकदम कालीन लूट जाएगा। तो चाहते क्या, उम्मीद क्या है आपको आगे? नहीं, उम्मीद तो यही है कि सरकार इस पर ध्यान दे और कस्टमर को सस्ता सस्ता जो है उपलब्ध हो सके माल। जब टैक्स सब कम होगा तो जो है कस्टमर इस पर डील करेंगे। काम तो करने के लिए 8-10 साल हो गया। पहले और अब में कुछ फर्क पाया आपने? फर्क अभी कुछ भी नहीं है। फर्क क्या है कि रेट कम हो गया है, बस यही। ये किस वजह से हुआ? रेट अब एक से एक आइटम निकल रहा है, उसमें ज़्यादा कर बोल रहे कि नहीं चल रहा है भाई, कम से कम हल्का हल्का मतलब भारी से भारी आइटम हमें चाहिए और कम को मतलब पैसे का चाहिए। पहले तो जो था उससे तो कुछ सुधार ही हुआ है, ऐसा नहीं है। रोज़ नई नई तकनीकें आती हैं, रोज़ नया नया चीज़ आता है, तो उसमें सरकार हमको सपोर्ट करे। जैसे हमको कारखाना बनाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसमें कुछ मुहैया कराए, या हमको लूम लगाना है, उसका बनाना है, तो उसमें हमको कुछ पैसा मुहैया कराए। ऐसे जैसे बनारस में दे रही है सब्सिडी वगैरह या लूम वगैरह मुहैया करा रही है, सपोर्ट कर रही है कारीगरों का, उसी हिसाब से हमारा भी सपोर्ट करे। कालीन उद्योग के कारण ही भदोही को डॉलर नगरी कहा जाने लगा था। अपने तो अपने दूसरे प्रांत के लोग भी भदोही में कालीन के जरिए रोजगारी बन गए थे। बाहरी मजदूरों की बड़ी तादाद का आलम ये था कि भदोही को छोटा बिहार कहा जाने लगा था, क्योंकि कालीन से जुड़े तमाम कार्यों के लिए हजारों की तादाद में बिहारी मजदूर भदोही में डेरा जमाए रहते थे। कालीन बुनाई का कार्य गांव-गांव में चल रहा था। मध्यम और हर छोटे परिवारों में कालीन के लूम लगे थे, जिसमें कालीन की बुनाई होती थी। लोगों को अपने घर में ही रोजी रोटी मिल रही थी। भदोही के आसपास और करीब 20-25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव से मजदूर कालीन संबंधित कार्यों के लिए रोज भदोही न आते हो। यहाँ के लोग गर्व से कहते थे कि हम सभी ऐसे क्षेत्र में जन्मे हैं जहाँ रोजगार के लिए घर से बाहर पांव निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज वही भदोही का कालीन उद्योग अपने वजूद की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। कहा जाता है कि भदोही का कालीन उद्योग पूर्वांचल के करीब 2 लाख परिवारों को रोजगार देता था, लेकिन आज भदोही खुद रोजगार के लिए तरस रहा है। इसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि सरकार की गलत नीति है, जिसके कारण कालीन उद्योग खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। जो रोज़गार है कम हो रहा है, तो गरीबों से जुड़ा हुआ रोज़गार है तो और हाथ का काम है, इसमें ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और इससे जो है गरीबी और बढ़ेगी न कि घटेगी। तब और अब की अपेक्षा, तब का क्या हाल है? तब तो व्यापार बहुत बढ़िया था पहले। जब उद्योग बढ़ेंगे और ज़्यादा उद्यमी इस क्षेत्र में आएंगे
ज़्यादा कालीन का निर्माण होगा, बट नेचुरल लोगों को रोजगार मिलेगा और श्रम के माध्यम से हम लोग इंश्योर भी करते हैं कि उनकी जो श्रमिकों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दी जाए और मिनिमम मजदूरी भी दी जाए, ये भी हम लोग श्रम के माध्यम से, श्रम विभाग के माध्यम, प्रवर्तन विभाग के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित कराने की कोशिश करते हैं। 90 के शुरुआती दौर में कालीन का काम शुरू हुआ था, जब केंद्र में कांग्रेस की नरसिंह राव की सरकार बनी तब तक कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की चर्चित उदारवादी आर्थिक नीति लागू हुई। इस समय कालीन निर्यात पर मिलने वाले प्रोत्साहन, ड्रॉबैक, कैंप आदि में कटौती शुरू हुई जो अब तक जारी है। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल कालीन निर्यात के मामले में नए मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत ने कालीन के मामले में अपनी पहचान खो दी है। आज प्रतिस्पर्धी पड़ोसी राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है। कालीन निर्यातकों की माने तो इसकी मुख्य वजह चीन, पाकिस्तान आदि सरकारों का अपने यहां के उद्यमियों को बराबर प्रोत्साहित करना और आवश्यक सुविधा सुलभ कराना है, जबकि भारत में कालीन उद्योग की बराबर उपेक्षा की जा रही है। अगर केंद्र की मोदी सरकार निर्यातकों के प्रोत्साहन के लिए कोई ठोस पहल करती है तो निश्चित रूप से मंदी के इस दौर में भदोही परिक्षेत्र का कालीन उद्योग बढ़ेगा और रोजगार के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। 20 लाख परिवारों को रोजगार देने वाला कालीन उद्योग बदहाली के कगार पर, विगत कई वर्षों से संकट के दौर से गुजर रहा भारतीय कालीन उद्योग अब उपेक्षा की स्थिति में नहीं है। अगर समय रहते सरकार इस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो भदोही का कालीन उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हिंदी खबर के लिए आनंद पांडे की रिपोर्ट, भदोही। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।